Hey everyone, this is Aisha and you're watching The Knowledge Tides. Friends, आज हम बात करेंगे ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में जो लाखों में एक बार या एक के साथ होता है और जिसे देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। So, let's begin. जिस इंसान को आप देख रहे हैं इसके साथ एक नहीं बल्कि तीन तीन बार कोइंसिडेंस हो चुके हैं। मैराथन के इस पार्टिसिपेंट के टी शर्ट में जो नंबर था वही नंबर उसे मैराथन में भी मिले थे, साथ ही जो टाइम में इसने रेस को कंप्लीट किया वो नंबर भी सेम था। अब इन महाशय को देखिए जरा, ये बैठकर बहुत इंटरेस्ट के साथ टीवी पे बाइक रेसिंग का मजा ले रहे थे कि अचानक इनको शायद जोश आ गया और इन्होंने स्क्रीन में रेसर को टच कर दिया और वो रेसर वही ट्रैक पर गिर गया, जैसे इन्होंने ही सारा कांड किया हो, मतलब गिराया हो। रोड से चल रहे इस शख्स के ड्रेस को देखिए जरा, ऐसे इंसिडेंट्स भी लाखों में एक बार ही होते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि ड्रेस को देखकर रोड बना है या फिर रोड को देखकर ये ड्रेस। फ्लेमिंगो मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड में से एक है, वैसे ये अमूमन झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या? देखिए, ये सारे फ्लेमिंगो मिलकर एक बड़ी सी सिंगल फ्लेमिंगो के स्ट्रक्चर को ही बना डालते हैं, जैसे कि इन्हें किसी ने ट्रेंड किया हो। ये इमेज तो भाई वाकई बेमिसाल है, जिस किसी ने भी ये खींची है वो फौरन समझ गया है कि इस ट्रक के पीछे की जो सीनरी है वो एक्चुअल में रोड के आसपास की सीनरी को कनेक्ट करता है। वाओ, अब यहाँ देखिए जरा, ये बच्चा जो इस हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, कुछ सालों बाद वही लड़का उस सेम हेलीकॉप्टर का पायलट बन जाता है जिसमें वो बचपन में बैठा हुआ था। इसे क्या कहेंगे आप? 2011 में रिलीज मूवी कॉन्टेजियन 9 साल बाद अचानक ट्रेंड में आ गई है, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी बन गई जिसमें एक तरह से कोरोना वायरस को प्रिडिक्ट किया गया था, यानी उसमें एक ऐसे वायरस को दिखाया गया जो चाइना में ओरिजिनेट हुई। वो वायरस पाया भी गया था चमगादड़ में। उसके सिम्टम्स, डिजीज टाइप्स, वो कैसे एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैल जाता है और लोगों की मौत की वजह बनता है, मतलब वो सब कुछ जो कोरोना से प्रेजेंट में हो रहा है। क्या सच में ये एक कोइंसिडेंस है या किसी ने पहले ही फ्यूचर को फोरकास्ट कर लिया था? अब इस फोटो में आप ये बताओ कि इसमें इत्तेफाक क्या हो सकता है? ठीक, तो वो रहने देते हैं। ये तो बता दो कि इसमें लड़की कहाँ है और लड़का कहाँ है। अगर आप समझ चुके हैं तो गुड, और जिनको क्लियर नहीं हुआ है उनको क्लियर करती हूँ। ध्यान से देखिए, कुर्सी पर जो बैठा है वो लड़का है और जो पीछे है वो लड़की है। यहाँ लड़की लड़के को ऐसे हग कर रही है जिसको देखने से लग रहा है कि लड़की बैठी हुई है और लड़का खड़ा है। अब कोइंसिडेंस की बात चल ही रही है, ये भी देख लीजिए, ये सारे के सारे टकले एक ही साथ एक ही लाइन में और वो भी सेम हेयर कट के साथ बैठे हुए हैं। ये आदमी पीछे से चलकर आ रहा है, ना जाने उसे क्या लगा कि उसने एक स्ट्रेंजर के शोल्डर को टैप किया, ये ना जानते हुए कि उसके इस एक्शन की वजह से किसी की जान बच जाएगी। दरअसल पीछे से एक ट्रक आ रही थी और उसका गेट खुला हुआ था। अगर वो आदमी स्ट्रेंजर को ऐसे टैप ना करता तो विदिन अ सेकंड गेट लगने से उसकी मौत भी हो सकती थी। इसे कहते हैं कोइंसिडेंस विद परफेक्ट टाइम। यंग शेल्डन जो एक टीवी शो है जिसके एक एपिसोड में दिखाया गया था कि शेल्डन जो इस शो में लीडिंग कैरेक्टर है, उस बच्चे को जन्म से ही जर्म फोबिया थी जिसकी वजह से वो मास्क में ही रहता है। वो एक दिन न्यूज देख रहा होता है जिसमें एक ऐसे वायरस के बारे में बताया जाता है जिसका ओरिजिन चाइना था और जो बच्चों और बूढ़ों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। अनफॉर्चुनेटली आज वो सही साबित हो रहा है। तो देखते हैं आज क्या है टुडेज फैक्ट्स में। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते कैंसर को स्मेल कर सकते हैं? इसलिए अगली बार जब कभी भी आपका कुत्ता आपके साथ अजीब बर्ताव करे तो डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर करवा ले। क्या आप जानते हैं कि कोई आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं? ये पता करने के लिए अपने हाथ बांध लीजिए। अगर सामने वाला भी अपने हाथ बांध ले तो समझ जाए कि वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।